ठीक है चलो, मैंने आकाश को चैलेंज किया है, उसको मैं देता हूँ 3 चांस गोल करने का। लेट्स सी। अकेला अकेला रूम ऐसा बनाया है तो ऐसे में तो दारू चाट रहे पीता हो। पोर्क? पोर्क बेली है ये। What is up my viewers, welcome back to another new video। सुबह सुबह मैं आया मम्मी और पापा को लेकर नहर लगन, कुछ ऑफिशियल काम था मम्मी का। और काम होने के बाद मैं आकाश से जब बात कर रहा था फोन में, तो आकाश कहता है कि चलो यार लंच करते साथ में। इसको एक बड़े सा लोकेशन पता है, सो इसी लोकेशन में है अभी। तो अभी हम है फिलहाल दोईमुख टी क्यूब स्पोर्ट बार, इट्स ए फुट शेल। यहाँ पे ये जो देख रहे हो, यहाँ पे ये फुटबॉल ग्राउंड है एक्चुअली, यहाँ पे अंदर ही यहाँ पे बना हुआ है। मैंने एक्चुअली सुबह से कुछ खाया नहीं, बस मोरी और चूरा खाया था, उसके बाद आ गया। अब यार दोपहर के बज गए अराउंड 2। स्पोर्ट बार के यहाँ पे ओनर के साथ हूँ मैं, ताना तागी है इनका नाम। सो इसका ना प्राइस कैसा है ना यहाँ का? ये जो 7 सात सात प्लेयर का है, एक बार में ये घुसता है, 14 या 16 प्लेयर घुसता है, उसका ये होगा 1500 पर आवर का है। पर आवर का, ओके। वो बड़ा वाला जो है 9 का है, उसका 2000 है पर आवर का। अच्छा, वो 9 आदमी खेल सकते हैं, एक बार में 18 आदमी खेल सकते हैं, दो टीम का मिला गया। कितना लोग आते हैं शाम को ऐसे? शाम को अनकाउंटेबल, कल भी आया था, कल भी 200-300 आदमी आया था। स्टूडेंट आते हैं मेनली? स्टूडेंट भी आता है, फैमिली सोसाइटी, वो लोग भी पिकनिक खेल खा के खेलता है। कल भी 200-300 आदमी आया था यहाँ पे। बाकी लोगों से ज्यादा मेरा पार्किंग स्पेस अवेलेबल है यहाँ पे, 70-80 गाड़ी आराम से घुस जाता है। असम से भी आते हैं लोग यहाँ पे? हाँ, गुवाहाटी असम से आता है ना। शाम को लेकिन बहुत अच्छा लगता होगा, मेरा मन था लेकिन शाम को आने का, कभी दिन आएगा लेकिन। शाम को ये हट चार्जेबल हो जाता है, 4 का बात नहीं है। दिन को हम चार्ज नहीं करते, शाम को पर आवर 200 कर देते हैं। सर्विस वाला लोग तो यहाँ पे एक्चुअली लाइब्रेरी भी है यहाँ पे, ये रहा। तो सर यहाँ पे ना जो भी फुटबॉल फैंस है यार, उनके लिए यार ये जगह अपने कहूँगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे है रियल मैड्रिड का, यहाँ पे ये हट है, और यहाँ पे है लिवरपूल का हट, और ये अभी तक चूज नहीं किया, पता नहीं ये इंडिया का होगा, ये इंडिया का हट। वैसे जो पीछे के जो दो हट है ना, उससे कंपेरेबल ये हट मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, और मम्मी पापा भाई बैठे हुए इसके अंदर, क्योंकि यार यहाँ पे बहुत ही गर्मी है और आज का मौसम थोड़ा ठंड है, तो इस कारण से यहाँ पे देखो यार सारे लोग बैठे हुए। हेलो गाइज एवरीवन, तो यहाँ का जो नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे एक छोटा सा विंडो रखा गया है, जहाँ से ये खोल के गर्मियों में ठंडी ठंडी हवा चलेगी, तो यहाँ पे नदी के सामने में बैठ के यहाँ पे आप अपना लंच कर सकते हो यार। बहुत ही यार मुझे बहुत सही लगा ये हट के बारे में, क्या बोलता आकाश तेरे को? और वैसे मम्मी यहाँ पे कुछ बोल रही थी, क्योंकि ये क्या कहते हैं कैफे का नाम है टी क्यूब स्पोर्ट बार। सो बार जब आ गया तो मम्मी कुछ कह रही थी, हमने बोला प्लेन राइस चाहिए, बोला नहीं ये तो बार है। तो बाहर वाला प्लेन राइस नहीं मिलेगा, दारू मिलेगा, दारू का दुकान ये होगा। अकेला अकेला रूम ऐसा बनाया है तो ऐसे में तो दारू शराब पीता हो जरूर नहीं। यहाँ पे बस ऐसा रूम बनाए, प्राइवेसी मेंटेन हो, ठीक है, वहाँ पे जो हल्ला गुल्ला चल रहा है उसका, वो उससे अलग आके आप आराम से लंच कर सको, उसके लिए ये बनाया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ दारू ही पीना है, और एक्चुअली फैमिली रेस्टोरेंट है यहाँ पे। कुछ लोग होते हैं दारू पीने वाले, कुछ लोग नहीं होते। जिसको दारू पीना हो वो तो पी सकते हो, और जिसको नहीं पीना वो यहाँ पे आके खाना खा सकते हो। वैसे तो जब तक लंच प्रिपेयर नहीं होता, हम आके यहाँ पे ग्राउंड के अंदर पे, कमन कमन आ जाओ कमन 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 गोल गोल कमन कमन गोल कमन जाओ गोल, एक ही बार गोल।
ठीक है चलो, मैंने आकाश को चैलेंज किया, उसको मैं देता हूँ 3 चांस गोल करने का, लेट्स सी। तो गाइस 3 में से उसने बस एक ही गोल दिया। और वैसे जो यहाँ पे ग्रास लगाया हुआ है ना, कारपेट ग्रास, ये एक्चुअली हाई क्वालिटी कारपेट ग्रास है, ये रहा, देख के यार पता नहीं लगता बाहर से। देख रहे हैं, मैं भी देखता हूँ एक बार, यहाँ पे देखता हूँ एक बार। सो गाइस दिस इज लाइक नेम ऑफ दिस बार, ठीक है, टी क्यूब स्पोर्ट बार, ठीक है, ओके ओके थैंक यू। सो हमारा लंच आ गया, और लंच में है, मैंने किया ऑर्डर ये चिकन चाउमीन, साथ में ये अंडा करी भी है, और ये क्या आकाश, ये क्या किया ऑर्डर, चिकन चिल्ली। तुमको पता आकाश, ये काम तुमको बहुत सूट करता है, लेकिन सही में जब तू घर पे आता था ना, ये काम मतलब कि दिखता नहीं था, अभी दिख रहा है तू कुछ कर रहे है। तो इंजीनियर होने का कुछ फायदा था हुआ, अरे भाई इंजीनियर होने का कुछ फायदा था हुआ, ये भी ले ले छोटा भाई होने का, ये देखो नतीजा। मम्मी को वैसे मतलब जब भूख लगता है ना मम्मी को, तो मम्मी से रहा नहीं जाता है, और मम्मी सीधे ये पोर्क पोर्क चिल्ली, पोर्क चिल्ली टेस्ट करके देखो, पोर्क चिल्ली है, पोर्क पोर्क बेली है, ये गौरी मांखो चिकन चिल्ली हमारा है, ये चिकन चाउमीन टेस्टी टेस्टी वक्का वक्का वे वे नहीं वो मेरे लिए, तेरे लिए ऑर्डर नहीं किया वो, अरे और एक प्लेट ऑर्डर कर ले, ऑर्डर करता हूँ वैसे चिकन पकौड़ा हमें यार पूरा मतलब कि सफिशिएंट नहीं हुआ, इसलिए आकाश फिर से गया लेने को। और यार चिकन मतलब कि चिकन चाउमीन यार वाकई में यार बहुत सही है, मतलब कि जितना का मतलब कि मैंने एक्सपेक्टेशन रखा था उससे ज़्यादा टेस्टी है। ये कर देता है ना, क्या ऑर्डर, क्या ऑर्डर, क्या ऑर्डर किया, दिखने लगेगा बोलो, मेरा आँख वापस आता है यार, यहाँ से एक हाथ आया ऐसे और ये ऐसे करके चला गया मुंह पे, गलत बात है। आकाश जब भी खाना खाता है ना, तो मैं उसका मैंने ना चमची पकड़ने का स्टाइल देखता हूँ यार, दिखाता है आकाश तो इधर खाता है पूरा, खा ले इसको पूरा, पिकअप कर लो। तो हम अभी चल रहे घर को, और यहाँ पे हमारा लंच हो गया, और इसी के साथ ये वीडियो को कर दो एंड। और मेरे ख्याल से यार आप लोग भी अपने फैमिली के साथ कभी कभी टाइम निकाल के कहीं कहीं जाया करो, कुछ कुछ अच्छा खासा चीज़ खाया करो, एक्सप्लोर किया करो, और इसी के साथ मिलता हो बहुत जल्द दूसरे वीडियो में, पापा कर रहे, चलो बाय। सो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गाइस, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो डू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल, चलो हैव अ नाइस डे, बाय। मकान।